मैं देखें तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में सीक्वेंस सिलेक्शन एंड रिपीटेशन, मतलब क्या हमें कौन सा अनुक्रम चलाना है, सिलेक्शन क्या देना है कि कब तक वो चले, और कहाँ से रिपीट, कहाँ से कहाँ तक रिपीट करना है। ये तीन इसके पार्ट हैं। तो फर्स्ट हम एक फ्लो चार्ट समझेंगे, उससे क्या होता है फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम से कैसे ये रिलेटेड होता है, और इसका जो भी सिंबल्स हैं उनका पर्पस क्या होता है। तो फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम हम लिख रहे थे सिंपल सेंटेंसेस में लिखते हैं, फ्लो चार्ट की जब बात आती है तो फ्लो चार्ट को डायग्राम से डिनोट किया जाता है, कुछ चित्रों से बनाया लिखा जाता है, और वो चित्र, हर चित्र का एक अपना मीनिंग होता है, उसके अनुसार चित्र देख के हम आसानी से समझ जाते हैं। कहा भी जाता है कि एक चित्र हजारों शब्दों के समान है, इसलिए चित्र बनाकर डायग्राम्स बनाकर हम समझें किसी चीज़ को तो उसको समझना आसान हो जाता है, जल्दी समझ सकते हैं। इसलिए अब हम कुछ देखते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग में जैसे यहाँ दो एलिप्स दिखाए गए हैं, एक एरो निशान का चिन्ह दिखाया गया है, एरो का साइन दिखाया गया है। ये एरो साइन को हम बाद में देखेंगे, ये फ्लो को डिनोट करता है। जो स्टार्ट और एंड दो एलिप्स हैं, दीर्घवृत्त हैं, तो दीर्घवृत्त सी फ्लो चार्ट की जब बात आती है, फ्लो चार्ट में दीर्घवृत्त में प्रोसेस, कोई भी प्रक्रिया आरंभ हो रही है या उसका अंत हो रहा है, स्टार्ट हो रही है या एंड हो रहा है, तो उसको डिनोट करने के लिए एलिप्स काम में लिए जाते हैं। उसके बाद में है समांतर चतुर्भुज, जो इनपुट और आउटपुट के लिए कुछ भी हमें यूजर द्वारा इनपुट दिया जा रहा है या कुछ प्रिंट कर रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं, तो इसमें काम में लिया जाता है। इसके बाद में रेक्टेंगल आयत, आयत कोई भी प्रोसेस है तो कोई भी प्रोसेस को कैसे डिनोट करें। प्रोसेस मतलब जैसे हम कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं, कुछ इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, कुछ एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, इस तरह कोई व्यंजक लिख रहे हैं, कुछ गणनाएं कर रहे हैं, कुछ प्रारंभिक मान दे रहे हैं किन्हीं चरों को, तो वो सब प्रोसेस में आता है, उसको हम आयत में लिखते हैं। उसके बाद में है सर्किल, सर्किल कनेक्टर का काम करता है। जैसे हम कोई प्रोसेस है, अब उस प्रोसेस को हम या तो अपने उस पेज में पूरा नहीं कर पाए, ये ऑन पेज कनेक्टिंग कनेक्टर भी बोलते हैं इसको, ऑन पेज कनेक्टर मतलब कोई भी पेज है उसमें हमें कोई प्रोसेस लिख रहे हैं, एक जगह आके हमें होता है कि ये प्रोसेस रिपीट करनी है, लेकिन जगह इस तरह से हमें पन्ने पे नहीं मिली बनाते समय कि हम उसको आगे तक दिखा सकें, तो हम एक सर्किल पे उसको एंड कर देते हैं, और उस सर्किल में कोई नाम लिख के, जहाँ उसको आगे की डिटेल देनी है वहाँ लिख के और कनेक्ट कर देते हैं। तो ये कनेक्टिंग कनेक्टर का काम करता है, ऑन पेज कनेक्टर का मतलब उसी पेज में उस प्रोसेस को आगे बताया जाता है, तब उसके लिए है। डिसीजन, एक समचतुर्भुज डायमंड शेप जो है उससे हम डिनोट करते हैं डिसीजन को। तो डिसीजन में जैसे हमें कंपैरिजन करनी है, हमें यस नो का डिसीजन लेना है, जैसे कोई एक्सप्रेशन लिख दी, वो एक्सप्रेशन यदि ट्रू और फॉल्स कह रही है, यस या नो कह रही है, तो इस तरह का डिसीजन लेना हो कि यदि वो कंडीशन यस कहे तो ये काम करना है, नो कहे तो दूसरा काम करना है, उसको हम एक डायमंड से डिनोट करते हैं। प्री डिफाइंड प्रोसेसिंग, ये एक रेक्टेंगल है जिसके दोनों साइड में सिंगल की बजाय डबल लाइंस बनी हुई हैं, तो वो कोई भी प्री डिफाइंड प्रोसेस है उसको इंक्लूड करने के लिए, जैसे कोई यूजर डिफाइंड अलग से प्रोग्राम है, फंक्शन है, या कोई प्री डिफाइंड फंक्शन है, कुछ प्रोसेस है जो बहुत सिंपली हमें मिल गई है कहीं और से, तो उसको डिनोट करने के लिए हम इस तरह का डायग्राम काम में लेते हैं। उसके बाद है कमेंट, कुछ भी ये ओपन रेक्टेंगल की तरह है, जैसे एक साइड से ओपन रख दिया, तो हमें कहीं भी काम में लेना हो और कोई कमेंट लिखना हो, जैसे सी प्रोग्रामिंग कमेंट हमने डिस्कस किए, उसी तरह से कोई भी डिटेल देनी हो उसको और अच्छे समझने के लिए, तो डॉट 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 से कनेक्ट करके इसको एक तरफ से खुला छोड़ दिया जाता है, जिस डायरेक्शन से कनेक्ट करते हैं उसके लगभग अपोजिट डायरेक्शन से इसको खुला छोड़ दिया जाता है। तो
जैसे यहाँ पर कनेक्ट दिखाएंगे तो लेफ्ट साइड में डॉट 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 दिखाएंगे, राइट साइड में ये पूरा कमेंट यहाँ लिख देंगे जहाँ यहाँ कमेंट लिखा हुआ है। और इसके बाद में कुछ एरो दिखाए हैं, तो एरो डिनोट करते हैं फ्लो डायरेक्शन को, जो भी फ्लो हो रहा है जैसे पीछे के डायग्राम्स में दिखाया था ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी एरो, तो एरो की डायरेक्शन दिखाती है फ्लो चार्ट की, फ्लो डायरेक्शन को, कि फ्लो चार्ट में हम किधर से किधर जा रहे हैं। इसके बाद में एक और शेप दिखाई है वो डॉक्यूमेंट इनपुट आउटपुट। तो कई बार हमें क्या करना होता है, कुछ भी इनपुट ले, कुछ भी रीड करते हैं, कुछ भी राइट करते हैं, तो हम डायरेक्टली यूजर से इंटरेक्ट ना करके किसी फाइल से रीड करते हैं या किसी फाइल में राइट करते हैं, तो उसको इस तरह के साइन से डिनोट किया जाता है। इसके बाद में ऑफलाइन कनेक्टर, ऑफलाइन ऑफ पेज कनेक्टर। ऑफ पेज कनेक्टर का मतलब है कि अपन हम जिस पेज में लिख रहे हैं, जिस पन्ने में लिख रहे हैं या जिस स्क्रीन पर लिख रहे हैं वो कंप्लीट हो चुकी है, अब हमें अपने फ्लो चार्ट को, फ्लो चार्ट बड़ा है इसलिए और कहीं से कनेक्ट करना है, तो हम कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन की तरह शो करते हुए इस तरह के डायग्राम से डिनोट कर लेते हैं और उसको ऑफ पेज दूसरे पेज में यहाँ से स्टार्ट करके कनेक्ट कर देते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे सिंबल्स फ्लो चार्ट में काम में लिए जाते हैं,